नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर। देखते रहिए सारी खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव, आपके दिल में, आपकी आंखों में। भैया 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 आज मधु को प्रस्तावित किया गया कोर्ट में रिमांड, पुलिस रिमांड के बाद, और सीबीआई के द्वारा फिर से 4 दिनों का मांगा गया पुलिस का सभी रिमांड कोर्ट के द्वारा दिया गया इस निर्देश के साथ कि उसका उचित इलाज कराया जाए और उसको टॉर्चर ना करे, और साथ ही 4 दिन में से किसी एक दिन अधिवक्ता को आधे घंटे के लिए मिलने का आदेश हुआ है। सर, टॉर्चर करने का आरोप लगाया जा रहा है? टॉर्चर का आरोप नहीं लगाया, ये बात आई है कि दवा उसको समय पर नहीं मिली जिस वजह से उसका उसके पैर में स्वेलिंग वगैरह हो गया। जबरदस्ती कुछ बयान वयान की बात आ रही है? अभी तक तो चूँकि कस्टडी में है मेरी क्लाइंटेस, और इसलिए कहना मुश्किल है। सच्चाई क्या, जब फ्री होती है, जब पुलिस कस्टडी से बाहर आएगी, जो विशेष कस्टडी में फिर आएगी, तब सही बात पता चलेगा। इस मामले में कितनी सच्चाई है कि मधु सरकारी गवाह बन सकती है? ये तो भविष्य की बात, हम क्या बताएं। वन शॉप ऑल सॉल्यूशन मोबाइल हैबिटेट पानी टंकी चौक मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। नमस्ते, मैं हूँ मैथिली ठाकुर और आप लोग देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, और सभी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मुजफ्फरपुर लाइव नाउ। धन्यवाद।